तेल टैंकर में जा घुसी बेकाबू रॉल्स रॉयल कार, कुबेर ग्रुप के मालिक घायल, जिंदा जलने से दो लोगों की गई जान। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक टैंकर और कार की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कार पलट गई और उसमें आग लग गई। हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टैंकर सवार एक शख्स सहित कार में बैठे चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हरियाणा के नुहू में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक टैंकर और कार की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कार पलट गई और उसमें आग लग गई। हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टैंकर सवार एक शख्स सहित कार में बैठे चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सोशल मीडिया पर 23 अगस्त से हादसे की तस्वीर और मीडिया शेयर कर उनके घायल होने का दावा किया जा रहा है। वहीं आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक हादसा 25 अगस्त की सुबह 11 बजे नूह जिले के उमरी गांव के पास हुआ। हादसे में मरने वालों की पहचान रामप्रीत और कुलदीप के रूप में हुई है। ये दोनों टैंकर पर सवार थे। इसके अलावा टैंकर में सवार गौतम गंभीर रूप से घायल है। उनका नूह के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे में कार सवार दिव्या कुबेर ग्रुप के मालिक विकास मालू और तस्वीर घायल हुए हैं। तीनों घायलों का इलाज गुरुग्राम के वेदंता अस्पताल में चल रहा है। मालिक विकास मालू की हालत गंभीर है।